नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी का जमशेदपुर में मेगा शो, 1 लाख करोड़ की तोहफा। जमशेदपुर के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार जमशेदपुर पधार रहे हैं। वे अपने दौरे के दौरान झारखंड को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर झारखंड के 46,000 लाभुक गृह प्रवेश भी करेंगे। इनके साथ ही वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के बैंक खाते में 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। बता दें, झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरण करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 1,13,195 आवास का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 187.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं रेलवे की सेवा को लेकर भी बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें टाटा नगर से खुलने वाली टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुत्र तथा राउरकेला के अलावा देवघर, बनारस, दुर्ग, हावड़ा, हावड़ा, भागलपुर ट्रेन शामिल है। झारखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, तेज हवा के साथ होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड के 6 जिलों रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 15 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की गई है। बता दें, इन जिलों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 16 सितंबर से इसका असर कम हो सकता है। इसके बावजूद राज्य के कुछ हिस्से में 16 और 17 सितंबर को भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बताया गया है कि निम्न दबाव का क्षेत्र शनिवार दोपहर जमशेदपुर से 220 किलोमीटर और रांची से 320 किलोमीटर पूर्व व दक्षिण पूर्व में केंद्रित रहा। यह कोलकाता से 20 किलोमीटर दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित था। यह डीप डिप्रेशन में बदल रहा है। शनिवार दोपहर में इसकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी, जो और तेज होती जा रही है। उत्पाद सिपाही बहाली में एक और मौत। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और मौत हो गई है। मामला राजधानी का है। दरअसल जमशेदपुर का एक युवक बहाली की दौड़ में भाग लेने के लिए रांची आया था, लेकिन दौड़ पूरी करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। युवक की पहचान मुरा मुल्ला सुरैया उर्फ बाला के रूप में हुई है। मृतक युवक उत्पाद सिपाही के लिए शारीरिक योग्यता परीक्षा के तहत दौड़ में शामिल हुआ था। उन्होंने 52 मिनट में ही अपना रनिंग पूरा किया। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहाँ पर मौजूद चिकित्सकों की टीम ने उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया, लेकिन 14 सितंबर की सुबह उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। प्रशासन ने रोका पंडाल, संजय सेठ ने कहा धूमधाम से होगी दुर्गा पूजा। पुराना विधानसभा मैदान में श्री रामलला पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर बनाए जा रहे पंडाल के काम पर शुक्रवार को पुलिस ने रोक लगा दी थी। इस मामले में शनिवार को प्रेस वार्ता कर समिति के मुख्य संरक्षक सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। बता दें, राज्य सरकार और प्रशासन सनातन धर्मियों की पूजा पर किसी तरह की रोक लगाएगी तो वह चुप नहीं बैठेंगे। मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रात में प्रशासन द्वारा पूजा पंडाल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को डराया व धमकाया जाता है। इससे कुछ होने वाली नहीं है। यदि हिम्मत है तो प्रशासन उन पर केस करे। प्रशासन को बात करनी है तो हमसे करे। उन्होंने कहा है कि पहले हरमू में पंडाल बनाने की पहल पर रोक लगाई गई। इसके बाद HEC प्रबंधन से किराए पर जमीन लेकर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, तो इस पर भी सरकार को आपत्ति हो रही है। यह पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ रची गई सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा है कि आस्था से खिलवाड़ करने वाले यह वही लोग हैं जिन्हें भगवान श्री राम के मंदिर से भी आपत्ति थी। रांची में दिखा करम पूजा का उल्लास। आदिवासी मूलवासियों का पर्व करम शनिवार को मनाया गया। बारिश में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बहनों ने भाइयों की खुशहाली के लिए उपवास किया। करम देव की स्थापना के बाद पूजा हुई। करम कथा भी सुनाई गई। करम गीत पर रात भर नृत्य किए। इस अवसर पर पूजा स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया भी गया था। बता दें, सहजानंद चौक हरमो स्थित सरना समिति का परिसर जगमग रहा था। आकर्षक लाइटिंग की गई थी। पूजा स्थल को गेंदा और रजनीगंधा के फूलों से सजाया गया था। दिन में समिति के युवा नाचते गाते करम डाल लाने गए। वहीं शाम 5:30 बजे करम डाल का पूजा स्थल पर स्वागत किया गया।
जमशेदपुर से 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री रविवार को झारखंड के जमशेदपुर से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 20,000 लाभुकों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। बता दें पीएम मोदी सुबह लगभग 10 बजे झारखंड के टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री टाटा नगर में ही 660 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरण करेंगे। इसके बाद बिष्टुपुर से गोपाल मैदान तक रोड शो करेंगे, साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पलामू में क्रेन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में क्रेन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। वे प्रकृति पर्व करम पूजा का सामान लेकर बाइक से घर लौट रहे थे, इसी दौरान क्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली है। हादसे के बाद क्रेन का ड्राइवर फरार हो गया। बता दें औरंगाबाद मुख्य पथ पर पड़वा थाना क्षेत्र के पड़वा में क्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना शनिवार को शाम करीब 6:30 बजे की है। मृतक पड़वा थाना क्षेत्र के राजहारा कोलहरी के श्याम भुइया के पुत्र जितेंद्र कुमार व अरुण कुमार थे। लातेहार में भाकपा माओवादियों ने BSNL और जियो टावर फूके। भाकपा माओवादियों ने शनिवार की दोपहर में लातेहार जिले के सुदूरवर्ती इलाके में दस्तक दी और उत्पात मचाया। उन्होंने दौना दुरूप गांव में BSNL और जियो के मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। लंबे अरसे बाद गांव में उनकी एंट्री से ग्रामीण में दहशत है। बता दें नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती जा रही है। इसका असर भी हुआ कि माओवादी का प्रभाव काफ़ी कम हो गया, अब गाहे बगाहे इनकी उपस्थिति दिखती है। भाकपा माओवादी ने काफ़ी समय बाद लातेहार जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के दौना दुरूप गांव के पास लगाए गए 2 मोबाइल टावर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। झारखंड के जेलों में वर्षों से नहीं हुई बहाली। राज्य भर में 31 जेल हैं, इनमें से 7 सेंट्रल जेल, वहीं 16 जिला 7 सब जेल तथा सरेंडर किए हुए नक्सलियों के लिए एक ओपन जेल भी है। बता दें 7 सेंट्रल जेलों में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भी शामिल है। वहीं इन 7 सेंट्रल जेलों में मात्र 3 सेंट्रल जेल रांची हजारीबाग व घाघीडीह जमशेदपुर जेल में ही जेलर हैं। इसके अलावा वर्तमान में 2 जिला जेल मंडल कारा धनबाद और सरायकेला में जेलर पदस्थापित हैं। राज्य में 31 जेलर के पद के अलावा 66 असिस्टेंट जेलर के पद हैं, इनमें से मात्र 7 असिस्टेंट जेलर अभी विभिन्न जेलों में पदस्थापित हैं। वर्ष 2016 के बाद कई जेलर सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद वह पद खाली रह गया है। कुछ जेलों में तो असिस्टेंट जेलर ही जेलर का पद संभाल रहे हैं, जबकि कुछ मंडल कारा और सब जेल में उच्च कक्षपाल जेलर का काम संभालते हैं। झारखंड में बेटे बेटियों से लेकर पत्नी तक को टिकट दिलाने में नेताजी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नेताजी जहां अपनी दावेदारी और जुगाड़ में लगे हैं, वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जो अपने बेटे बेटी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य को भी टिकट दिलाने के प्रयास में हैं। इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बेटे या बेटी को अपनी राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं। ये सभी अपने प्रयास में सफल रहे तो इस बार के विधानसभा चुनाव में लगभग 1 दर्जन सीटों पर ऐसे नए चेहरे चुनाव मैदान में दिखेंगे। बता दें ऐसे नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी हैं जो अपने बड़े बेटे बाबूलाल सोरेन को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। डाल्टनगंज में सप्ताह में 2 दिन रुकेगी वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की जा रही है। इधर रेलवे बोर्ड ने टाटा से पटना तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। इसके तहत सप्ताह में 2 दिन रविवार और सोमवार को वंदे भारत ट्रेन मोरी बरकाखाना डाल्टनगंज गढ़वा रोड सोननगर गया के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे, इनमें कुल 530 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। बता दें यह टाटा से चलने के बाद चांडिल मोरी बरकाखाना डाल्टनगंज गढ़वा रोड सोननगर एवं गया में रुकते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी। सीएम हेमंत ने झारखंड वासियों को प्रकृति पर्व करम की दी बधाई। प्रकृति पर्व करम भद्रा मास की एकादशी तिथि को मनाया गया। इस बार करम पूजा 14 सितंबर को हुआ। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखी। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को बधाई दी है।
सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि प्रकृति पूजा करम पर्व के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। प्रकृति के साथ मानव जीवन की एक रूपता और भाई बहन के अटूट स्नेह एवं सम्मान को दर्शाता है। यह पावन पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का भी प्रतीक है। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूँ। जय जोहार, करम जोहार। पलामू सेंट्रल जेल में 6 महीने में 4 कैदियों की हुई मौत। पलामू सेंट्रल जेल में करीब 6 महीने के अंदर 4 कैदियों की मौत हुई है। इनमें से 2 युवक शामिल हैं। जेल प्रशासन ने सभी के मौत का कारण बीमारी बताया है। इन कैदियों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। दोनों युवाओं के परिजनों के अनुसार अजय चौधरी और कुंदन पांडे बीमार नहीं थे। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और पीटने का आरोप लगाया है। इसी तरह कैदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने सवाल खड़ा किया है कि अगर कैदी बीमार होते हैं तो परिजनों को उसी समय जानकारी क्यों नहीं दी जाती, परिजनों को तब क्यों सूचना दी जाती है जब कैदी को अस्पताल ले जाने की नौबत आती है। परिजनों का कहना है कि हमें जेल प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए जाँच की मांग की है। मामले की जाँच तो हुई है लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। गढ़वा में हो रहे विकास कार्यों से छात्र प्रभावित। गढ़वा के विद्यार्थियों में भी राजनीति उबाल आ गया है। पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का क्रेज विद्यार्थियों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कार्यों से प्रभावित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गढ़वा के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। सभी ने मंत्री ठाकुर के आवास पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। इसके साथ ही रंका प्रखंड के सेरा शाम, खपरो, रजहारा आदि गांव के 300 से अधिक महिला पुरुषों ने भी मंत्री श्री ठाकुर के आवेश पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। 3 दिन से बिस्तर के इंतजार में गर्भवती महिला। MGM अस्पताल की व्यवस्था इन दिनों चरमरा गई है। आए जिन मरीजों की देखभाल नहीं करने, बेड उपलब्ध नहीं होने की खबरें प्रकाश में आती है। इसी तरह का एक मामला शनिवार को एक गर्भवती महिला के साथ हुआ। बिस्तर के अभाव में गर्भवती महिला को बरामदे में रहना पड़ रहा है। महिला 3 दिनों से बिस्तर के अभाव में गायनिक वार्ड के बाहर बरामदे में अपने घर से लाई हुई चादर में सोकर रात गुजार रही है। महिला का बिरसा नगर की रहने वाली है। गुड़िया देवी नामक महिला के ऊपर मुसीबत का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब देर रात जोर से बारिश आरंभ हो गई। जहां गुड़िया लेटी हुई थी वहीं सीधे तेज रफ्तार से बारिश का पानी आने पर गुड़िया की परेशानी बढ़ गई। रात अधिक होने के कारण गुड़िया समझ नहीं रही थी पानी से अपने आप को और गर्भ में पल रहे बच्चों को कैसे बचाए। वहीं धीरे धीरे वह अस्पताल के दूसरे ब्लॉक में जाकर बरामदे में शरण ली है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पुल निर्माण का शिलान्यास किया। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता शनिवार को हंटरगंज के जोरी स्थित काली मंदिर पहुंचे। वे यहां पुल निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने 8,40,97,800 रुपये की लागत से जोरी और करैली बार के बीच लीलाजन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद भोक्ता कोबना गांव पहुंचे। यहां 13,36,23,000 की लागत से लीलाजन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय मुखिया बबलू मेहता भी मौजूद थे। तत्पश्चात श्रम मंत्री ने खुट्टी केवाल गांव में चेतना भारती आश्रम के समीप 3,58,04,700 रुपये की लागत से घर्री नदी पर बनने वाले पुल का भी शिलान्यास किया है। हेमंत सोरेन ने कहा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने हर महीने हम झारखंडियों की सरकार गिराने की पुरजोर चेष्टा की है, इससे भी नहीं हुआ तो मुझे जेल भेजा। चंपाई सोरेन सहित अन्य लोगों को इशारा करते हुए कहा है कि विधायकों को खरीदने में अरबों रुपये लगाए। हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, इसके बावजूद आप झारखंडी भाई बहनों के प्रेम और अपनत्व के कारण में अपने जहरीले मंजूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब आपकी सरकार आपकी सेवा में और तेज गति से काम कर रही है। सीएम ने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा है कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमें सतर्क रहना होगा और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद हमारा ध्यान विकास और जनकल्याण पर केंद्रित है। हम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं।
रामगढ़ बना चौकीदार नियुक्ति पूर्ण कराने वाला पहला जिला। रामगढ़ एवं बोकारो जिले के लिए फुटबॉल मैदान ललपनिया में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिला स्तरीय चौकीदार बहाली के तहत चयनित 72 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी के साथ रामगढ़ जिला राज्य में सफलतापूर्वक चौकीदार नियुक्ति पूर्ण कराने वाला पहला जिला बन गया है। बता दें लंबे समय से लंबित चौकीदार बहाली पर संज्ञान लेते हुए डीसी चंदन कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त चौकीदार को शुभकामनाएं दी है और सभी के साथ फोटो भी खिंचवाया। कार्यक्रम के बाद रामगढ़ डीसी ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों को शुभकामनाएं दी और आने वाले समय में बेहतर तरीके से कार्य करने की बात कही है। झारखंड के सियासी माहौल में बदलाव, बीजेपी में दो नेता शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन भाजपा इस मामले में सबसे आगे दिखाई दे रही है। चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कराकर कोल्हान क्षेत्र को मजबूत करने के बाद भाजपा ने दो और अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। बता दें झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बरकट्टा से विधायक अमित यादव भाजपा को भाजपा में शामिल कराया है। वहीं अमित यादव के साथ गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी भाजपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि बरकट्टा विधायक अमित यादव ने 2009 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें 24,442 वोट से जीत मिली थी। सरायकेला में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के कुचई थाना क्षेत्र के बिजार गांव में 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के वक्त बेटे ने घर से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। खबर मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिला मुख्यालय सरायकेला से करीब 40 किलोमीटर दूर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बिजार गांव का सोमा सिंह मुंडा शुक्रवार की देर शाम अपने घर पर पत्नी और छोटे बेटे सानिक मुंडा के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान 4-5 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर जल रही लाइट को मारकर तोड़ दिया। इसके बाद घर के अंदर घुस गए। तभी सोमा सिंह मुंडा तथा उसकी पत्नी ने हमलावरों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। साहेबगंज में प्रेमी युगल को पूरे गांव घुमाया। साहेबगंज जिले में एक बार फिर ग्रामीणों के तुगलकी फरमान पर कथित प्रेमी युगल को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया है और गांव के बाहर एक पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई की गई। रांगा थाना क्षेत्र के छोटा महंगामा का यह मामला है। शुक्रवार की रात में संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों ने कथित प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तुगलकी फरमान जारी कर दोनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव घुमाया। कुछ युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। धन्यवाद।